दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस तरीके से मुसलमानों को जागरूक किया, जिस तरीके से मुसलमानों को नींद से उठाया, ये वाकई में आज मुसलमानों की मेहनत बिल्कुल रंग लाती हुई नज़र आ रही है। मुसलमानों ने इतने ज़्यादा ईमेल किए हैं, इतने ज़्यादा ईमेल किए हैं कि आप और हम क्या कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना ज़्यादा ईमेल जो है जेपीसी को पहुँच जाएगा। आप बिल्कुल खुशी से मचल जाइएगा दोस्तों कि इतना ज़्यादा ईमेल कैसे मुसलमानों ने कर दिया। और ये आंकड़ा आपको ज़रूर सुनना चाहिए और अभी आपको रुकना नहीं है, आपके पास अभी भी थोड़ा वक्त है, थोड़ा टाइम है, बिल्कुल आपको मेहनत जारी रखनी है। बिल्कुल हुकूमत को बता देना है कि जो मुझ पर बुरी नज़र से देखेगा ना, उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए निस्तो नाबूद कर दूंगा, बिल्कुल उनकी आँखें नोच लूँगा। बिल्कुल आपको अभी खामोश नहीं रहना है। जो कुछ भी 3-4 घंटे बचे हुए, आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करिए, आप अपने अड़ोस पड़ोस में जाइए, सब लोगों के मोबाइल से ईमेल करिए। अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है, 4 है 5 है, तो सबसे कर डालिए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आंकड़ा बता देता हूँ दोस्तों, आंकड़ा सुनने के बाद आप बिल्कुल हैरान हो जाइएगा, चौंक जाइएगा। आंकड़ा क्या है वो आप सुने। 13 सितंबर सुबह के 9:38 पर ये आंकड़ा सामने आया, ये डेटा सामने आया है, 2 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 2,14,32,805 लोगों ने मेल किया है। ये शाम का वक्त है ना, सुबह के 9-10 बजे का ये डेटा है। अब उसके बाद कितने लोगों ने मेल किया होगा, क्योंकि आज जुमा का दिन था और जुमा में लगभग हर मस्जिदों में ये ऐलान हो चुका होगा, तो जुमा की नमाज के बाद तो और ज़्यादा लोग मेल करेंगे, है ना। वो डेटा भी आपको मैं शेयर करूंगा, बस आप हमसे जुड़े रहिएगा, एक एक चीज़ आपको बताता चलूंगा। दुश्मनान इस्लाम के गर्दन को बिल्कुल नोच लेना है, दबोच देना है। लेकिन आपको एक बात ये भी बता देता हूँ दोस्तों, जिस तरीके से हम और आप मुसलमान मिल करके बहुत ज़ोरों शोर से ईमेल कर रहे हैं, उसी तरीके से जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो भी ज़ोरों शोर से ईमेल कर रहे हैं, बहुत ज़ोरों शोर से अपना इस बिल, ये बिल पास हो जाए उसके लिए मुकम्मल मेहनत कर रहे हैं। इस वजह से हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं रहना है। जो हिंदू लोग हैं, जो बड़ी ज़ोरों शोर से मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी आप वीडियो देखिए किस तरीके से ये लोग मेहनत कर रहे हैं हम लोगों को बहुत मुसीबत में डालने के लिए। देख लो मुसलमानों, तुम सोते रहना है। भोपाल इतवारा का भी क्यूआर कोड से ईमेल भेज रहे हैं, इस पर लिखा है भारत बचाओ वक्फ हटाओ। उपस्थित है उन सबसे ये निवेदन है, वक्फ लैंड वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ के नाम पर बहुत सारी जमीनें, मंदिरों की हो या बहुत सारी जमीनें जनता की हो, वक्फ के नाम पर कब्जा की गई। आज 9 लाख एकड़ लैंड पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। तो केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वक्फ बोर्ड में संशोधन लाने के लिए जनता की राय पूछी है। तो आप सबको एक लिंक आया होगा, जस्ट आपको मेल करना है कि इसमें संशोधन होना है या नहीं होना है। और हम लोग जितने भी जो गणेश पंडाल है, हर पंडाल में घूम रहे हैं, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी हाल में आप लोगों भी अपनी राय मेल के माध्यम से केंद्र को भेज सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी यहां पर उपस्थित है, आप सबसे निवेदन है कि क्यूआर कोड भी वहां पर लगा हुआ है, जस्ट आपके फोन पे अगर स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा मैटर आपको मेल आईडी आ जाएगा, उस पर मैटर आप लिखकर आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तेलुगु लोग बड़ा जपता अंदर की ओर रिक्वेस्ट वक्फ बोर्ड लो। नमस्कार, आप सभी लोगों को मालूम है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है 2024 वो लोकसभा में कुछ दिन पहले ही लाया गया था, लेकिन वहां पे राष्ट्र विरोधियों ने और देश विरोधियों ने इस बिल का विरोध किया और जिसके कारण हमारा जो बिल जो है वो अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो है जेपीसी के पास चला गया है। अब लोगों से सजेशन मांगा जा रहा है इस बिल के लिए समर्थन में या विरोध में, आपके जो भी आपका सजेशन है वो आप दीजिए मेल के द्वारा। आप सभी लोगों से अनुरोध है, 13 तारीख आखिरी तारीख है, 13 सितंबर आप सभी लोग रात 12 बजे तक, कल तक 13 सितंबर रात 12 बजे तक आप लोग
अपना सुझाव दे सकते हैं। आप अपना सुझाव देने के लिए आप लोग बैनर पे आपको स्कैन करना है, एक लिंक खुलेगा डायरेक्टली, फिर आपको मेल खुलेगा, वो मेल आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा, वो मेल डायरेक्ट सेंड करना है। तो आप भी इसका हिस्सा बनिए, हमारे पास सिर्फ एक ड्रेसिंग में हमारे यहाँ पर भी देखो लोग इतना जागरूक है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है बिल्कुल, अपने फोन से सभी अपनी बारी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गणपति के पंडाल में हमारे यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है और यहाँ से सभी लोग मेल कर रहे हैं। देखो हिंदुत्व के लिए कितनी जागरूकता हमारी सोसाइटी के अंदर।